हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पिंकी फैशन फैब्रिक्स पर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, अभी मेरा कपड़े पर कटिंग स्टार्ट हो गया है कल से। तो कल क्लास वन था, आज क्लास टू है। कल हम लोग सीखे थे कि पैंटी कैसे बनाना है। देखिए इस तरीके से इसका हम स्टिचिंग भी बताए हैं और कटिंग भी साथ में बताए हैं। तो क्लास वन का है, आज उसका रिविजन हो जाएगा थोड़ा सा, और फिर क्लास टू में आपको क्या सीखना है वो भी बताएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लगे कपड़ा लगे उसको साइड कीजिए। तो इस कपड़ा पर पहले रिवीजन हो जाएगा एक बार, उसके बाद आपको दूसरा वीडियो मिलेगा कि आपको क्या करना है। चलिए इसमें बताइए कटिंग करके कैसे आपको कटिंग करना है। फिर ऐसे बस उतार दीजिए। कैसे देंगे इस साइड देंगे ना, तो ऐसे रहेगा आपका। इस साइड कमर होगा, ये नीचे साइड हो गया, और यहां से आपको गोल करना, समझ में आया? कीजिए ऐसे ही ना? ना, ऐसे नहीं होगा, गलत। देखिए ये हो गया कमर आपका। कमर आपको नाप के लेना है, कितना आपको लेना है। फिर यहाँ पे कमर का चौड़ाई लेना है, और यहाँ पे जो लेना है इसको यहाँ से गोलाई का शेप देना है, समझ में? जहाँ पे डबल फोल्ड होगा वो नीचे साइड में होगा, जो सिंगल फोल्ड है वो एक साइड होगा। इस ये ज्वाइंट ही रहेगा, और जिस तरफ खुला है उस तरफ हमारा कमर होगा और गोलाई का सेप आएगा। सिंपल, ठीक है? अब जैसा कटिंग कीजिए, जैसा लाइन ड्रॉ कीजिए। ओपन करके दिखाइए कैसा। देखिए ये बन गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, इस यहाँ पे हेम सिलाई, यहाँ पे हेम सिलाई होगा, कमर का कमर होगा, और यहाँ पे साइड में जॉइंट होगा रबर देके। ठीक है, क्लियर है? ये बन गया। अब आपको सेकंड में बताएंगे कैसे। ये हो गया आपका क्लास वन, ठीक है? ये हो गया क्लास वन। अब देखिए क्लास टू में आपको सीखना है कि जो कपड़ा रहेगा इसको आपको, इसमें हम आपको बताएंगे कि सूट बनाना है, फ्रॉक सूट टाइप का, एकदम सिंपल फ्रॉक सूट। ठीक है, इसके लिए क्या करना है, कपड़ा को हमें चार फोल्ड में फोल्ड करना है एक ही साइड से। देखिए उसमें कैसा फोल्ड किए थे, ऐसा फोल्ड किए थे और ऐसा फोल्ड किए थे। ठीक है, इसमें आपको कैसे फोल्ड करना है, ऐसे एक बार फोल्ड हुआ और फिर इसी तरीके से एक बार फोल्ड होगा। क्लियर है? अब जिस तरफ एक मुड़ा हुआ है, इसमें खुला हुआ नहीं है, ये मुड़ा हुआ है, इसमें आपको करना है। देखिए जिस तरफ मुड़ा हुआ है यहाँ पे आपको इस तरफ गला होगा, और जो तरफ खुला हुआ है इस तरफ आपका आर्म होल होगा। ठीक है, देखिए छोटा बच्चा का बनाना है ये वाला फ्रॉक सूट, ज्यादातर आपका छोटा बच्चा का ही बनता है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करना है, कंधा हमें लेना है 4.5 इंच, और फिर गले के लिए हमें रखना है, और फिर 2.5 इंच लेंगे हम कंधा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें ध्यान रहेगा, इधर से यहाँ से हमें नीचे तरफ लेना है 4.5 इंच, हो गया। अब इसको आपको गोलाई का शेप देना है। अब यहाँ पे देखिए गला का हम कितना रखेंगे, यहाँ से अंदर तरफ से हमें लेना है 2 इंच, याद रहेगा, यहाँ से अंदर तरफ 2 इंच,
और पूरा हमें लेना है 4.5 इंच, ठीक है। अब देखिए गला का हमें डीप रखना है, गला का डीप हम रखेंगे, छोटा बच्चा है तो ज़्यादा डीप हम नहीं रखेंगे, 4.5 इंच रखेंगे। चरकुट कर दिए और इधर भी हमें गोलाई का सेप ही देना है, ठीक है, गोल करके। हो गया। अब हमें यहाँ पे कैसे करना है, तो देखिए यहाँ से हमें नापना है कि पूरा कितना है, तो पूरा 10 इंच है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 4.5 इंच पर एक दाग देंगे, ठीक है। अब इसको हमें अंदर तरफ करते हुए इस तरीके से ले जाना है। देखिए कैसे किए, गोलाई का सेप दिए, याद रहेगा। अब आपको ये वाला जो कोना निकला इसको सिंपल सिर्फ गोल कर देना है, ठीक है। अब देखिए जैसे हम लाइन ड्रॉ किए हैं वैसे कटिंग कर लेना है। इस तरीके से ये हो गया फ्रॉक। इस तरीके से बनेगा। देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे हम कटिंग किए वैसे आपको रिवीजन करते रहना है, और ये वाला जो है यहाँ पर सिलाई कैसे होगा, यहाँ पे आपका गला बैठाना है, ठीक है, और यहाँ से आपका जॉइंट होगा यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ पर आपको फोल्ड करते हुए सिलाई लगाना है इस तरीके से, याद रहेगा। इस तरीके से फोल्ड होगा पूरा में, ठीक है, और सिर्फ गला बैठेगा और यहाँ पर भी बैठेगा, जैसा गला बैठेगा वैसे यहाँ पर भी बैठेगा। यहाँ पर स्लीव्स भी लगा सकते हैं, और नहीं तो सिंपल हाफ ब्लाउज हाफ बनाने के लिए इसको इस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं, ताकि हाफ फ्रॉक सूट बन जाए। तो देखिए गला बैठाने के लिए क्या करना है, जो कपड़ा है इसको हमें 4 फोल्ड में फोल्ड किए हैं, क्योंकि आगे का गला और पीछे का गला एक है, इसीलिए हम साथ में ही कटिंग करेंगे, और अगर आगे का गला और पीछे का गला अलग अलग रहेगा तो इसको हमें अलग अलग कटिंग करना है। देखिए इसको हमें इस तरीके से फोल्ड करेंगे हम, इस तरीके से इसको रखना, देखिए इस तरीके से रखेंगे, और यहाँ पे हमें दाग देना है गला का। हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा लेके इसको हटा देंगे। देखिए कैसे किए, याद रहेगा, जो मुड़ा हुआ है उस साइड से ही होगा, खुला साइड से नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करना है, इस तरीके से रखिए, इसके ऊपर इसे सिलाई होगा, यहाँ पे सिलाई होगा, फिर पलट जाएगा, पलट के सिलाई होगा और गला बैठ जाएगा, ठीक है। गला बैठाने का वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो ये हो गया फ्रॉक की कटिंग। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका ये वाला जो क्लास चल रहा हो आपका एक भी दिन छूटे ना, रेगुलर कीजिएगा तभी आप लोग सीख पाइएगा। और अगर कहीं भी दिक्कत आया है कुछ भी समझने में, तब भी मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि आपका जो प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व कर पाएँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।